मजबूत सड़क कनेक्टिविटी देश के चहुमुखी विकास की आधारशिला है। कृषि, व्यापार, उद्योग या सामाजिक सरोकार, इस सब के लिए सड़कें विकास का मार्ग हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया है। उनके शासनकाल में रोजाना सड़क निर्माण की रफ्तार दुगनी से भी ज्यादा हुई है। ज्ञान शक्ति और अर्थ शक्ति के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का कार्य जारी है। बुलढाणा जिले में 2014 तक राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 81 किलोमीटर थी, जो अब 2023 में बढ़कर लगभग 354 किलोमीटर हो गई है। ये वृद्धि 400% है। पिछले 9 वर्षों में जिले में 4,620 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनमें 10 प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुके हैं और 5 प्रगति पथ पर हैं। कुएं, नाले और नहरों के निर्माण या गहरीकरण करने से प्राप्त मिट्टी का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किया गया। जल संवर्धन से कृषि उत्पादन में वृद्धि मिली तथा विदर्भ क्षेत्र के किसानों को आर्थिक समृद्धि मिली। जल संवर्धन के इस बुलढाणा पैटर्न को पूरे देश में सराहा गया। प्रगति की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी अमरावती चिखली महामार्ग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। पैकेज 3 तहत शीलत से नांदुरा इस महामार्ग का 4-लेनकरण पूर्ण हुआ है, जिसकी लंबाई 45 किलोमीटर तथा लागत मूल्य लगभग 816 करोड़ रुपए है। ये एक 4-लेन डिवाइडेड कैरेजवे है, जिसमें 14 किलोमीटर लंबा खामगांव ग्रीनफील्ड बाईपास, 4 मेजर ब्रिज, 16 माइनर ब्रिज, बॉक्स तथा पाइप किस्म के 63 कलवर्ट, 8 व्हीकुलर अंडरपास, 2 पेडेस्ट्रियन अंडरपास, 16 किलोमीटर लंबा सर्विस रोड, 12 बस शेल्टर तथा 1 ट्रक ले बाय का निर्माण किया गया है। ये सड़क गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इन राज्यों को तथा नागपुर, रायपुर, अमरावती, अकोला, खामगांव, जलगांव, धुले तथा सूरत इन मुख्य शहरों को जोड़ती है। इस प्रोजेक्ट से व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले वाहनों के सफर समय में 2 घंटे की बचत होगी, जिससे व्यवसायियों को आर्थिक फायदा होगा, ईंधन और समय की बचत होगी तथा सुरक्षित सफर से दुर्घटनाओं को रोक लगेगी। इस प्रोजेक्ट के निर्माण से रायपुर, नागपुर, सूरत इस पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान होगी। शेगांव तथा लोनार जैसे धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र की आवाजाही और आसान होगी। अमृत सरोवर परियोजना अंतर्गत इस सड़क किनारे मौजूदा तालाबों का गहरीकरण करने से इनकी पानी जुटाने की क्षमता को बढ़ाया गया, जिससे खामगांव जैसे उष्ण और कम पर्जन्य वाले क्षेत्र को राहत और संपन्नता मिलेगी। कृषि उपज के परिवहन में अधिक आसानी होगी। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसान, युवाओं, छात्रों, उद्यमियों एवं जन सामान्यों को विकास के नए आयाम प्राप्त होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने एवं आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ाने, आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के नेटवर्क पर जोर दिया है। इसी सर्वस्पर्शी विकास को बढ़ावा देते हुए केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा दिए गए इस उपहार से ये क्षेत्र देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार है।